बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वेट मैजिक होम। अस्सलाम वालेकुम, ये मैं आज नैंडो का पैरी पैरी रब बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये नैंडो का पूरा एक पैकेट मैंने ये चिकन एक किलो में और सिरके में मिक्स करके डाला है। अब ये मैं तवे पे देखिए ऑयल डाल रहा हूँ, उसमें ये बोटियाँ जो है इसमें से निकाल निकाल के ये रखती जा रही हूँ। ये देखिए, ओके, अब मैं इसको दम के सब बोटियों को रख दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए, आज मैं इसको लैदा से ग्रिल नहीं कर रही, ये बड़ी आसान सी रेसिपी है। सिर्फ इसको लैदा से आपने ग्रिल नहीं करना, ये ऐसे रख देना इसको। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है। और ये देखिए जो बाकी का ये सिरका है, इसको मैं ये इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है। और अब इसको मैं धीमी आंच कर दूंगी ताकि ये पक जाए, क्योंकि इसको कम से कम घंटा लगेगा इसको दम पे। तवा चिकन जो है वो घंटा पूरा लेता है। ये देखिए, अब मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस ऊपर छिड़कूंगी, जब ये आधा पक जाएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। देखिए, अब मैंने ये जो चिकन है सारा, इसको इस फ्राई पैन के साथ इसको, ताकि इसमें से जो हीट है वो बाहर ना निकले, ठीक है। ये मैंने जी मटर गोश्त बनाया, देखिए माशाल्लाह। ये देखिए मटर गोश्त बनाया है। ये देखिए, ये मैंने गर्दन के गोश्त में देखिए मटर डाले हैं। ये देखिए जी, ये गर्दन के गोश्त में इसका शोरबा बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए, अब मैं इसको धीमी सी आंच पे ऊपर रख दूँगी ताकि मटर और आलू अच्छी तरह से गल जाएं। और ये वो चिकन है, ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह। ये देखिए, ये देखिए जी, ये कलर देखिए माशाल्लाह। अभी इसको मैं दम पे दोबारा रखना है। ये मैं इसको बस मैं इनको थोड़ा कर रही हूँ, क्योंकि इसका पानी बाहर आ रहा था। अभी मैंने अपना सारा चूल्हा साफ किया, देखिए इसकी स्प्लैशेस कहाँ तक उड़े हैं। और ये देखिए जी, ये अब ये जो है ना, ये बड़ा सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन इसको ज़रा ना पकाने में तब देर लगती है। ये देखिए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और ये लोहे का क्योंकि तवा है, इस पर वैसे ही बहुत अच्छा ये बन रहा है। ये देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करूँगी, इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस करेगा। तो फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी आधे घंटे के लिए कम अज़ कम जी। ये देखिए, ये नींबू का रस है। अभी ये देखिए, ये मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। अभी देखिए, देखिए इसमें से क्या आया जी, ये फ्लीस की जैकेट आई है जी। ये देखिए, ये फ्लीस की जैकेट है, ब्लैक कलर में है। फ्लीस इतना गर्म है, और ये हाफ बाजू है, ये इतना सुकून देता है आपको सर्दी में। ये दो जैकेट्स मैंने मंगवाई हैं, तो ये देखिए, ये आपके सामने मैं इसको खोल के तो आपको दिखाती हूँ, कितना नरम कपड़ा है और कितना अच्छा है। ये देखिए, अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये माशाल्लाह, ये देखिए जी, ये मैं ज़रा खुली चीज़ें पसंद करती हूँ, क्योंकि आपको पता है किचन में काम करना वैसे भी। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए जी इसका कितना अच्छा वो है, बहुत नरम और बहुत गर्म। ये देखिए इसका, ये देखिए, ये मैंने मंगवाई है, और ये अभी पार्सल आया है। ये देखिए जी, ये देखिए, अब मैं इसको फिर से ढक दूंगी, चलो भाई इसके अंदर। और ये देखिए, अब मैं वाइट चटनी बनाऊंगी, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए ऐसे लग रहा है इसे बाजार से रोस्ट हुआ है। ये देखिए, रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, जल्दी मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।